जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओआर जाट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की आज नई भर्ती के बारे में। सूचना है जो मिली है अखबार कटिंग के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग अपने बात करने वाले हैं सारी जानकारी के साथ, जिसके अंदर परीक्षा कब तक हो सकती है, कितने पदों पर आ सकती है, ये सारी जानकारी आज की खबर के अनुसार देखेंगे, जिसके अंदर मैंने कुछ छोटी सी खबर लगाई भी है और इस खबर को मैं बड़ा करके आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ संपूर्ण जानकारी के साथ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। और आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मैंने हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस बनाने की कोशिश की है, वो भी जल्दी बनाऊंगा। और उससे पहले जीके के पेपर का सिलेबस जो क्या रह सकता है, क्या पीछे की भर्तियों में था, जो इससे पहले वाली भर्ती हुई थी उसके अंदर टॉपिक वाइज सिलेबस आपके लिए क्या था, वो दोनों वीडियो बना के लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहां से जाके आराम से देख सकते हैं। डेली अपने क्विज मिल रही है सभी मास्टरों को, मैं बता दूं अपने टेलीग्राम के ऊपर, उसके ऊपर जाके आराम से डेली क्विज अटेम्प्ट करो। मुझे लगता है कि मैं जितनी क्विज डालता हूँ वो मैं सबसे बुक पढ़ता हूँ, उसके बाद वहां पे अपलोड करता हूँ, सबको शेयर करता हूँ, तो उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। आपको अच्छी लगे तो वहां जुड़े रहिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। फालतू वहां पे नोटिफिकेशन हम कुछ नहीं डालते, आपको डेली क्विज उपलब्ध करवाते हैं, फैक्ट उपलब्ध करवाते हैं, कोई न्यूज होती तो वो देते हैं। जलते हैं, मिलते हैं, आप इसके सामने जुड़िए इस वीडियो के अंदर। 25,000 सीटें खाली है, ये क्या आज की न्यूज सही है या किस टाइप की न्यूज है, ये सारी जानकारी देखते हैं। देखो आपको सबसे पहले मैं आपको न्यूज ओपन करके दिखाता हूँ। न्यूज ये आपने छोटी सी तो देख ली है, बड़ी करके दिखाता हूँ आपको। देखो इस न्यूज के अंदर क्या क्या दिखाया गया है। इस न्यूज के अंदर आपके 6,000 साढ़े 6,000 स्कूलों को 25,000 शिक्षकों का इंतजार इसके अंदर दिखाया गया है, जिसके अंदर क्या न्यूज कैसी है ये सारी जानकारी देखते हैं। देखो देखो इसके अंदर न्यूज के अंदर बात करते हैं, न्यूज आपके सामने उपलब्ध है। 2 साल में कर्मोत्तर स्कूलों में 17,800 व्याख्याता और 7,842 वरिष्ठ शिक्षकों के पद नहीं हुए स्वीकृत। ठीक है, आप सभी को पता है राजस्थान पीछे की जो सरकार थी, गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार, उन्होंने स्कूलों को कर्मोत्तर तो बहुत सारी को कर दिया, लेकिन उनकी स्कूलों के अंदर अभी तक व्याख्याता और वरिष्ठ व्याख्याता का पद खाली पड़ा है। उन सभी को देखते हुए ये अखबार वालों ने लिखा है कि इनके अंदर 6,500 स्कूल है टोटल और उसके अंदर 25,000 शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं बच्चे अभी तक। इनसे पहले मैं मेरी खुद की गांव की स्कूल के अंदर कंडीशन देखा हूं, उसके अंदर अभी तक शिक्षक नहीं है, और आपने भी अपने गांव के अंदर देखा होगा उनके अंदर पूरे शिक्षक नहीं है, तो वहां पे भी आपका अस्थाई शिक्षक लगाया जा रहा है, तो उनका भी मैंने वीडियो बनाकर डिटेल में बताया था किस टाइप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आप पूछेंगे तो मैं आपके लिए और बना सकता हूँ। देखो इसके अंदर सीकर की ये न्यूज है, सीकर पत्रिका की। प्रदेश के करीब 6,500 सरकारी स्कूलों को 2 साल से करीब 25,000 शिक्षकों का इंतजार है। ये वे स्कूल है जिन्हें गहलोत सरकार ने पिछले 2 साल में कर्मोत्तर किया है। इसमें अब तक पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है, ऐसे में इन स्कूलों के बच्चों को व्यर्थ या बिना शिक्षकों के पढ़ना पड़ रहा है। वहीं नव चयनित शिक्षकों को भी इनके नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। कर्मोत्तर हुई स्कूलों में सबसे ज्यादा अवकाश आवश्यकता व्याख्याताओं की है और इनमें माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 4,075 व उच्च माध्यमिक कर्मोत्तर 1,825 स्कूलें और व्याख्याताओं के कम से कम 3 पदों के हिसाब से कुल 17,700 पद स्वीकृत का इंतजार रहा है। इसके अंदर स्कूलों की संख्या बताइए, सबसे पहले 4,075 कौन सी थी, माध्यमिक को उच्च माध्यमिक मतलब 10वीं को 12वीं कर दी और माध्यमिक उसके बाद उच्च प्राथमिक को उच्च माध्यमिक कर दी, मतलब 8वीं थी उनको 10वीं कर दी, तो इसके साथ साथ वो 1825 थी। इस हिसाब से बात करें एक स्कूल के अंदर कम से कम 3 अध्यापक कम से कम 3 पदों के हिसाब से 17,700 पदों की स्वीकृति का इंतजार कर रही है इस टाइप की स्कूलें। इस तरह उच्च प्राथमिक में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के कर्मोत्तर 1307 में कुल 7,800 पदों के मांग की गई है। ठीक है, इस तरह सभी कर्मोत्तर स्कूलों को 25,542 पदों की स्वीकृति मिलनी चाहिए। पिछली सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में सर्वाधिक 4,443 माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक में कर्मोत्तर हुए, इसके बाद 1824 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में किया गया और इसके बाद 1127 उच्च प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक में कर्मोत्तर किया गया। इस हिसाब से अपने कैलकुलेशन निकाल लीजिए, और इन्होंने तो कैलकुलेशन अपना निकाल के बता दिया, 25,000 प्लस
स्कूलें हैं जिसके अंदर अभी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पद खाली है, तो सॉरी 6,500 जिसके अंदर 25,000 शिक्षकों के पद खाली है। ये मैंने आपको डिटेल दी, आपकी कैसी लगी? सिलेबस की बात करें तो आपको बता दिया, न्यूज़ें आ रही है। अब आप इंतजार किसका कर रहे हो? आप इंतजार भर्ती का कर रहे हो, तो भर्ती आपकी जल्दी आपके दरवाजे पे खड़ी है ऐसे मान लीजिए। शिक्षक भर्ती की तैयारी करना मतलब आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे, बहुत सारे साथीगण कर रहे हैं, अच्छी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर्स होता है ना, वो अच्छे से रट के जाता है, अच्छे से पढ़ के जाता है, फिर वो स्कूल के अंदर अच्छे से पढ़ाता है। मेरे तो सभी साथीगण है ऐसे, काफी स्टाफ है जो पढ़ाते हुए सिलेक्शन भी लिए हैं। आप अभी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे निकालना शुरू कर दीजिए, इसके अलावा भी भर्ती के लिए समय निकालना शुरू कर दीजिए, आपको पता लगेगा। उम्मीद है आपको अच्छा से सेशन समझ में आ गया। लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।